हेलो एवरीवन वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर विच इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहां पर लाइव जुड़े हुए हैं सो एवरीवन वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग चलिए एवरीवन सेशन को स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग चलो रेडी करें स्टार्ट करें गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग देखिए ये वाला जो आप लोग का सेशन है ना वो हमारा डेली रहता है सुबह में दस बजे के टाइमिंग पे और एक और हमारा जो सेशन है वो रात को रहता है टॉपिक वाइज वाला नौ बजे के टाइमिंग पे यहीं पर वाई फाई स्टडी पर अगर आप अनकेडमी क्लासेस करना चाहते हैं तो इसके बाद होती है आपकी सुबह में ग्यारह बजे शाम में चार बजे अन अकेडमी वाली क्लास ठीक है डेली फ्री सेशन होते हैं जस्ट आपको मेरा नाम सर्च कर लेना है और आपको क्लासेस मिल जाएगी फ्री वाली जो होती है ठीक है और अगर हम बात करें एवरी वन तो प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए आप ऋतिका टेन कोड लगा सकते हो जिससे आप लोग का जो टेस्ट है या जो भी आप लोग फ्री क्लासेस uh, करना चाहते हो वो आपकी डायरेक्टली ओपन हो जाएगी ठीक है चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को बढ़िया तरीके से ये आप लोग का पहला क्वेश्चन है सॉल्व करिएगा इस वाले को चेक करो क्या बनेगा यहाँ पर ट्राई करो इस वाले सवाल को हो गया चलिए तो इजी था बार्क डॉग का लिखा हुआ है और यहां पर का जो लिखा हुआ है वो लिखा है चिरपिंग बर्ड्स आर चिपिंग ऑलवेज ठीक है तो ये डी वाला हो जाएगा यहाँ पे आप लोग देखेगा क्या बनना चाहिए आपका ऑप्शन एक बार चेक करिएगा गुड मॉर्निंग ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन हो गया देखिए अगर ऐसा सोचेंगे कि e का A लिखा है यानी माइनस फोर लिखा है तो वो फिर सभी में फॉलो नहीं करेगा या तो सब में माइनस फोर होता लेकिन इसमें नहीं फॉलो कर रहा है ना तो फिर ऐसा है कि यहां पर ई e का अपोजिट लिखा है एल का भी अपोजिट लेटर लिखा है क्यू का जे होता है जयपुर क्वीन और ए का जेड होता है सारे अपोजिट लेटर लिखे तो D का हो जाएगा W है ना V का हो जाएगा यहां पर E, T का G और X का C, ये वाला आपका सेकेंड ऑप्शन ठीक सारे लेटर्स अपोजिट डायरेक्शन में ही लिखे थे बट थोड़ा अलग वे में लिखे थे है ना चलो तीसरा सवाल करते हैं चालीस का रिलेशन लिखा है सौ से आपको बताना है छप्पन किससे संबंधित है गया। अब तो में नहीं होगा क्योंकि चालीस का डबल तो अस्सी होता है ठीक है और उसमें हमने प्लस ट्वेंटी कर दिया तो ये नहीं बनेगा है ना दूसरा लॉजिक लगा के देख सकते ऐसा हो सकता है कि चालीस का आधा भी तो बीस होता है तो इंटू टू पॉइंट फाइव किया गया हो ढाई से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे ढाई से मल्टीप्लाई करेंगे टू पॉइंट फाइव ठीक है तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया टू पॉइंट फाइव से एक सौ चालीस आ जाए अगले वाले में बताना है कि अलग कौन सा ऑप्शन है चेक करिएगा एक बार एवरीवन क्या ये वाला चलिए देखिए गाइस पेन है पेंसिल है वैक्स कलर्स है इसमें से किताब अलग होगा कुछ लोग बता रहे हैं वैक्स कलर्स गलत होगा किताब इसीलिए अलग है बिकॉज बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो लिखने के काम में आते हैं ना राइटिंग पर्पस के लिए या कलर करने के लिए किताब लिखने के काम नहीं आता इसीलिए ठीक है ओके इस वाले में एक मिनट चेक करना इस वाले में क्या होगा इसमें सबसे अलग वाला ढूंढना था सबसे अलग वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे वो कौन सा है एक बार चेक करिएगा इसमें गुड मॉर्निंग चले हो गया ना इसमें क्या हुआ था फोर इंटू वन बराबर भी आपका फोर होता है और टू इंटू टू बराबर भी सेम आएगा ठीक है एट इंटू टू बराबर जो लिखा है वही फोर इंटू फोर बराबर आएगा एट का मल्टीप्लाई थ्री से करने पे जो आ रहा है वही सिक्स का मल्टीप्लाई फोर से करने पे भी आ रहा है यानी एल एच एस बराबर आरएचएस ऐसा भी बोल सकते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन में नहीं है ठीक है सेकेंड वाला ऑप्शन अलग था पिछले वाले में देखो एक यहाँ एफ आया प्लस फोर यहां पे आप लोगों का के आया ठीक है प्लस फोर क्यों प्लस फाइव हो रहा है प्लस इन एवरी ऑप्शन ठीक है एवरी लेटर यहां पे भी प्लस फाइव यहाँ पे भी प्लस फाइव और यहां पे भी प्लस फाइव सभी लेटर्स में प्लस फाइव किया गया था ठीक है प्लस फोर प्लस फाइव नहीं प्लस फाइव ही है सभी में चलो इस वाले में बताइएगा बन गया देखिए यहां पर क्या गया है मल्टीप्लाई बाय टू यहां पे क्या गया मल्टीप्लाई बाय फोर यहाँ पे क्या गया मल्टीप्लाई बाय एट और अगला किया जाएगा मल्टीप्लाई बाय सोलह दो से मल्टीप्लाई चार से मल्टीप्लाई आठ से मल्टीप्लाई सोलह से मल्टीप्लाई ठीक है तो इसका आएगा नाइन टू वन सिक्स चौथा ऑप्शन इसको चेक करना ब्लड रिलेशन का ही लेकिन कराया है मैंने ये वाला इस टाइप के सवाल आपको करवाए हैं हो गया देखिए पूनम ने अक्षय से कहा ठीक है देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला पूनम ने अक्षय से तो बना लेते हैं कि कल उसने अक्षय की इकलौती बहन अक्षय की इकलौती सिस्टर ठीक है कि बेटी स्नेहा को एक प्रतियोगिता में हराया था तो पूछा भी किसके बारे में क्या है अक्षय के बारे में कि अक्षय स्नेहा से कैसे रिलेटेड इसकी माँ का भाई है ये है ना तो यहां पर आपका कजिन नहीं होगा मामा होगा कजिन क्यों होगा भाई अक्षय स्नेहा से कैसे रिलेटेड है पूनम ने क्या किया अक्षय की बहन की बेटी स्नेहा को एक प्रतियोगिता में हरा दिया तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा था कि अक्षय स्नेहा से कैसे रिलेटेड तो उसकी माँ का भाई है तो ये अंकल आएगा मामा जी आएंगे कजिन थोड़ी होगा कजिन क्यों होगा इसमें तो गलत कजिन तो गलत है ठीक है चल एक और करिएगा इस वाले को हो गया चले जब एक ही व्यक्ति की रैंक दोनों तरफ से दी गई है है ना लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं और लास्ट में माइनस वन करेंगे तो टोटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा पैंतीस होंगे यहाँ पे टोटल लोग अगर एक ही रैंक दोनों साइड से दी गई है एक ही व्यक्ति की तो हम लोग दोनों को ऐड करके माइनस वन कर सकते हैं लास्ट में हमारा टोटल निकल आता है उससे ठीक है यहाँ पे टोटल आप लोग का हो जाएगा थर्टी फाइव पिछले क्वेश्चन में इसमें चेक करें टोटल निकालने के लिए लेफ्ट रैंकिंग प्लस राइट रैंकिंग माइनस वन इतना ही करना होता है बस ये लास्ट वाला बनेगा ना लास्ट वाला जो सॉल्यूशन है वो बनेगा ही नहीं ठीक है ओके अगला करिएगा लास्ट वाला नहीं बनेगा क्योंकि उसमें वी की जरूरत थी वी नहीं था हमारे पास लास्ट वाले में हमें वी की जरूरत पड़ रही थी वी नहीं था हमारे पास तो लास्ट वाला ही नहीं बन पाएगा बाकी सब बन जाएंगे चले इसको चेक करो भाई ऑप्टिमिस्ट लिखा है पेसिमिस्ट का बताना है आपको है ना देख सकते हो यहां पर जो लिखा हुआ था कोड जैसे मान लीजिए ऑप्टिमिस्ट का तो वो किस तरीके से लिखा था वो चेक कर लो एल के आर एन आर जी एच जी ठीक है तो ये आपका अपोजिट है ये भी अपोजिट है टी का अपोजिट ये लिखा है एस का ये लिखा है लेकिन मिडिल में क्या किया है मिडिल में इस तरीके से अपोजिट्स लिखे हुए हैं ऐसे मिडिल के जो चार अक्षर हैं वो ऐसे आ रहे हैं अपोजिट में है ना बाकी सारे शुरुआत वाले सेम है तो पैसिमिस्ट का अगर हम निकालेंगे तो ऐसे आएगा एस का एच होता है टी का जी होता है पी का के होता है ई e का बी ठीक लेकिन मिडिल वाले अलग होंगे मिडिल वाला ऐसे बनेगा आई का होगा आर एम का होगा एन आई का आर एस का एच और इस वाले एस का यहाँ पर एच बने तो लास्ट ऑप्शन बनेगा वैसे भी लास्ट ऑप्शन ही बनेगा क्योंकि के वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था अगर एग्जाम में हम लोग करेंगे ना तो हम लोग जल्दी से इसको लगा देंगे फिर हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे तो पूरा सॉल्व कर रहे हैं हम ठीक है चलो इसको बताना क्योंकि एग्जाम में ना लगभग ऑप्शन जो आते हैं वो सिमिलर ऑप्शन आते हैं फिर जब सिमिलर ऑप्शन आते हैं तो हमें पूरा चेक करना चाहिए नहीं तो जब ऑप्शन सेम होते तो फिर दिक्कत होती गलत भी हो जाता है हो गया चले यहाँ पर लिखा था बीस अब ये सोचो पैंतीस कैसे आया पैंतीस तब आता है जब सात का मल्टीप्लाई पांच से करते हैं तो यहाँ सात आ जाएगा ना माइनस करने पर मल्टीप्लाई बाय फाइव कर देना यानी पहले माइनस किया गया है फिर मल्टीप्लाई बाय फाइव किया गया है तो सोलह ठीक है मैं से बारह घटाया चार आया चार का मल्टीप्लाई हमने पाँच से कर दिया ठीक है ऐसे यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे सिक्सटी फोर रखेंगे इसमें से यहाँ पे इसको माइनस करेंगे पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे तो अस्सी आ जाएगा यानी चौसठ रखना जरूरी है एक ही जगह पे ठीक है वन की जगह पे ओके इसको चेक करना

Okay, देखिए यहाँ से आपके पास आठ आएंगे ना वन टू थ्री फोर फोर का डबल एट चारों तरफ से बत्तीस आ जाएंगे टोटल है ना ऊपर वाले पार्ट से तीन मिलेंगे नीचे वाले से भी तीन मिलेंगे तो यानी कि छः ये हो गए और हिडन वाले और गिन लो हिडन वाले ऐसे आ रहे हैं वन टू थ्री तीन ऊपर तीन नीचे छः है ना, तो टोटल मिलाओगे तो फोर्टी फोर होगा ये वाला तो फोर्टी फोर सही आंसर है फोर्टी सिक्स गलत है ठीक है हाँ आप इसको चेक करें एक बार स्टेटमेंट कंक्लूजन को सारे डेंस स्पाइरल हैं आप के है ना जितने भी डेंस हैं वो सभी आपके क्या थे स्पाइरल थे ठीक है सम स्पाइरल और कार्ड्स कुछ स्पाइरल आपके क्या है कार्ड्स हैं ऐसे बनेगा नेगेटिव वाले तो वैसे भी गलत हो जाएंगे दोनों के दोनों सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव वालों को गलत कर दीजिए लास्ट वाला कार्ड और डेन का पता नहीं हमें लास्ट वाला यहाँ पे दिया नहीं गया डायरेक्टली ये भी गलत हो गया तीनों गलत हो गए इसमें तो कोई भी नहीं फॉलो कर रहा है क्योंकि कार्ड और डेन देख रहे अलग अलग बना हुआ है दूर दूर इनका रिलेशन ही नहीं बताया गया क्या है इस वाले में हो गया डिफ़ यहाँ पे आप लोगों ने डिफरेंस लिया इसका डिफरेंस लेते तो बन जाता है ये वाला सवाल देखो भाई यहाँ पे आप लोग जब डिफरेंस लोगे है ना तो आप देखिएगा यहाँ पर कि आपका जैसे लिखा है नाइन्टी सेवन ये वन नाइन्टी सेवन का डिफरेंस आ रहा है ठीक है ये आपका टू हंड्रेड नाइन्टी सेवन का डिफरेंस आ रहा है ये थ्री नाइन्टी सेवन का डिफरेंस अगला कितने का आएगा फोर नाइन्टी सेवन का डिफरेंस आएगा जाइए तो आपका आ जाएगा यहां पे चौदह सौ पहला वाला ऑप्शन ठीक है यहां पे एक मिनट इस वाले में चलिए ये लिखा था 4 का स्क्वायर उल्टा ये 5 का स्क्वायर ये आपका 7 का स्क्वायर अगला 8 का स्क्वायर लिखा जाएगा वो भी रिवर्स में 46 डिजिट्स को रिवर्स करके लिखा जाएगा ठीक है चेक करो हॉकी भारत से रिलेटेड है बेसबॉल बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है तो ये यूएसए आएगा डी वाला ऑप्शन इस वाले में कैलेंडर कराया आप लोगों को है ना रात के नौ बजे वाले में जो टॉपिक वाइज हमारा चल रहा है कैलेंडर कराया हुआ है उसमें देखिए यहां लिखा है या बस इसको पकड़ लो आज सोमवार का दिन है ना परसों जन्मदिन है तो अगर आज सोमवार है परसों क्या होगा वेडनेसडे ना क्योंकि कल ट्यूजडे होगा ये जन्मदिन वाला दिन है उसी दिन अगले हफ्ते शिवरात्रि है यानी शिवरात्रि भी पड़ेगी बुधवार को ही क्योंकि सेम डे पर पड़ रही है अगले हफ्ते और इन्होंने बोला शिवरात्रि के बाद वाला दिन क्या होगा तो वेडनेसडे के बाद वाला दिन गुरुवार होता है यानी कि थर्सडे होता है तो इसका आंसर थर्सडे आएगा थर्सडे लगा सकते हैं जिस भी ऑप्शन में थर्सडे दिया होगा वो आप लगाइएगा ठीक है वेडनसडे नहीं आएगा थर्सडे आएगा उसका अगला दिन पूछा गया था माता पिता और पेरेंट्स और मदर एंड फादर क्या बनेगा इसका रिलेशन बताएगा एक बार सभी लोग मदर भी पेरेंट होती है और फादर भी पेरेंट होते हैं लेकिन मदर फादर अलग अलग बिकॉज जेंडर अलग रखना है और दोनों पेरेंट्स के अंदर आएंगे ठीक है तो डी वाला ऑप्शन बनेगा सी गलत सी तो कुछ मदर फादर हो जाएगा ऐसा तो हो नहीं सकता मेल अलग फीमेल अलग होना चाहिए ना चलिए बताइए देखिए रोमबस में आपको बता देती हूँ थोड़ा हिंट दे रही हूँ ऐसा होता है इक्ूरेटर ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं पेंटागन कुछ इस तरीके से रहता है और स्क्वायर ऐसा होता है अब आपको ये बताना है कि ये अलग क्यों है इनमें से कोई ऑप्शन है जो अलग है वो अलग वाला क्यों है ऑप्शन चेक करो ग्यारह बजे से क्लास है आपकी इसी क्लास के बाद इलेवन से क्लास है आपकी अन अकेडमी वाली फ्री वाली वो आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है इलेवन से है आपकी क्लास अगली सी देखो की चारों साइड्स बराबर होती हैं ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती है इक्विलेटरल वाले की और स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है लेकिन पेंटागन की पांचों साइड्स बराबर नहीं होती है ठीक है इसीलिए अलग होगा चलो ये वाला बताओ भाई पेंटागन की सारी साइड्स बराबर नहीं होती इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों बराबर होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ही होता है संबाहू त्रिभुज ठीक है उसका मतलब यह है कि उसकी तीनों जो साइड्स हैं वो बराबर होंगी अगर मेहनती है वर्कर करें तो प्रमोशन होगा इसका मतलब हार्ड वर्क और प्रमोशन रिलेटेड है लेकिन ये गलत है और ये वाला सही है हार्ड वर्क लीड्स टू प्रमोशन ये वाला भी करेक्ट होगा आपका है ना चलो इसको देखो भाई हो okay. गया ये देखो 18 की टेबल में चौवन आता है तीन से मल्टीप्लाई करने पर साठ डायरेक्टली नहीं आता होगा लेकिन आसपास की संख्याएं आती होंगी ठीक है उसी तरीके से यहाँ पे भी थ्री से मल्टीप्लाई किया प्लस सिक्स यहां भी आपने थ्री से मल्टीप्लीकेशन किया प्लस सिक्स सभी में यही चल रहा है तो आप लोग भी ऐसे ही कर दो इसका सिक्सटीन नाइनटी एट तीन से मल्टीप्लाई करके छह जोड़ दीजिए इसमें आ जाएगा आप लोगों का फाइव वन डबल ज़ीरो है ना फाइव वन डबल जीरो इस वाले को चेक करिए एक बार हो गया गुड मॉर्निंग देखो इसको इन दोनों को ऐड करके भी तो साथ आ रहा है ऐसे आ रहा है देखो फोर प्लस थ्री बराबर सेवन और वन प्लस भी सेवन है वन प्लस थ्री बराबर फोर वन प्लस फाइव बराबर सिक्स ऐसे समझ रहे हो तो लास्ट में अगर टू प्लस थ्री बराबर फाइव आ रहा है तो वन लाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी टेन की वन प्लस जीरो बराबर वन हो जाएगा तो यहां पर आएगा टेन दोनों को ऐड करके आ रहा था इस टाइप के भी कभी कभी ऑप्शन या पैटर्न बन जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना है ना इस टाइप के भी कभी कभी पैटर्न बन जाते हैं ठीक तो है ओके चले ये वाला हो गया होगा ये वाला बताएगा आसे का आप लोगों को बताया था ना मेन कॉन्सेप्ट क्या रहता है उसी तरीके से आंसर बताइएगा दो के विपरीत कौन सी संख्या है याद आया बिल्कुल सिंगल डाइस है यानी कि कौन सा डाइस होगा स्टैंडर्ड वाला डाइस होगा सिंगल पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा दो के विपरीत पांच होता है एक के विपरीत छह होता है के विपरीत चार होता है तो यहां दो का पूछा गया है तो आप इजिली फाइव बता सकते हैं पांच आएगा इसमें ठीक है यहां पे कौन सा आएगा बी के अपोजिट

डाइस पक्का हो गया अब उसमें नंबर नहीं कटने चाहिए टाइगर कब शावक फोन किसका होता है हिरण के बच्चे को फोन बोलते हैं जिस तरह टाइगर के बच्चे को शावक बोलते हैं हिरण के बच्चे को फोन बोलते हैं पहला वाला होगा इस यहां पे टू का बताना है तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा अगर दो के विपरीत यहां पे बताना हो तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कॉमन वाला जो कॉमन है उसके विपरीत कौन सी संख्या होती है जो वहां से गायब हो तो दो के विपरीत यहां पे कौन सा आएगा चेक करें जो यहां से गायब है है अब अब मत लगा देना हाँ, देखो आ रहा आंसर कुछ तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है सेवन है ना तो सेवन होगा ठीक है टू का सेवन होगा ना कि सिक्स ऑप्शन सेवन दिया है तो सेवन लगाएंगे सिक्स नहीं होगा सिक्स तो दिया ही नहीं था सवाल में ठीक है इसको एक बार चेक करना जरा क्या होगा यहाँ पे मिनट क्या लिखा है पढ़िएगा और बताइएगा स्टेटमेंट लिखा है क्या यह जरूरी है कि शिक्षा नौकरी के उन्मुख होनी चाहिए यानी कि शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए करी जानी चाहिए तर्क कौन सा सही है बताइएगा पहले पहले कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को कमाई के लिए तैयार करना है ये वाला लॉजिक तो गलत है अब आप दूसरा वाला बताओ राइट है या रॉन्ग शिक्षा केवल ज्ञान के लिए होनी चाहिए बताओ पहला तो गलत ही है शिक्षा का उद्देश्य नौकरी करना नहीं है भाई ये भगवान अभी तक तुम लोग यही बता रहे थे क्या शिक्षा का उद्देश्य है लाइफ को बेटर बनाने के लिए ठीक है एक सही जीवन जीने के लिए नौकरी करने का नहीं है शिक्षा का उद्देश्य पढ़ो पढ़ो क्यों क्योंकि हम लोग नौकरी कर रहे हैं केवल ज्ञान के लिए भी नहीं है भाई केवल लिखा है तो वैसे भी गलत कर दो ये तो बताया ही गया दोनों तो ही गलत हो जाएंगे यहाँ पे शिक्षा हम लोग नौकरी करने के लिए नहीं करते हाँ हालांकि हम लोग को बचपन से यही सिखाया जाता है कि नौकरी करनी है तो बेटा पढ़ो लेकिन शिक्षा का मतलब शिक्षित होना है बेहतर इंसान बनना अच्छे जीवन के लिए ठीक है ताकि हम दूसरे लोगों को भी सोशल एनिमल है ना हम लोग ताकि हम हमारे वजह से दूसरे लोगों को भी परेशानी ना हो और हम लोग हेल्प कर पाए समाज में कुछ अपना योगदान दे पाए समाज के बेहतरी के लिए ठीक है चाहे वो नौकरी से करें या बिजनेस से करें या हम कोई और भी काम करें या हम सोशल सर्विस करें उसकी वजह से ठीक है बेहतर जीवन के लिए है ना ये नहीं कि हम हाँ हालांकि हम लोग बचपन से यही सुनते आते हैं कि बेटा पढ़ो नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी बेटा पढ़ो नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी है ना उसके लिए ठीक है ताकि हम लोगों को अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छा बनाने का काम आए तो वो नौकरी के लिए हमें ऐसा लगता है कि शिक्षा हमें करनी है तो सिर्फ नौकरी के लिए ही करनी है चलिए एवरीवन कोई बात नहीं है ठीक है इस वाले क्वेश्चन को बताइएगा इंग्लैंड अटलांटिक ओशन से रिलेटेड है लैंड यहां पर कौन से ओशन से रिलेटेड होगा हाँ सोनू भाई कोई डाउट ही नहीं है उसमें वो तो आप हो ही उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अभी तक क्या तुम डाउट में जी रहे थे क्या मेरे भाई डाउट ही नहीं है जो आपने बात कही ना उसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल भी जरा भी डाउट मत रखना उस बात में चलिए इंग्लैंड एटलांटिक क्वेश्चन से रिलेटेड है ग्रीनलैंड आपका आर्टिक महासागर से रिलेटेड है तीसरे वाले से गाइस आर्टिक महासागर से ठीक है बताओ अभी तक अपने ऊपर डाउट हो रहा था हे भगवान चलो इसको करो कौन सा सतह यहाँ पे व्हाइट की विपरीत आ रहा है व्हाइट वाले सतह के विपरीत कौन सी वाली सतह आएगी चेक करो जो कॉमन होगा जैसे यहाँ कॉमन है आपका येलो ग्रीन भी कॉमन है दो दो कॉमन है तो दो दो कॉमन वाले में क्या होता है कि जो बचे हुए वाले सता होते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट आते हैं केवल तो यहाँ व्हाइट का रेड आएगा सिर्फ ठीक है ब्लू गलत है दो दो जब कॉमन वैल्यूज होती हैं तो उसमें अच्छा कुछ लोग ये सोच रहे हैं जो यहाँ से गायब है वो वाला ब्लू बता रहे हैं ऐसा नहीं है यहाँ पे दो कॉमन थे येलो भी कॉमन था ग्रीन भी कॉमन जब दो कॉमन होते हैं तो बची हुई वैल्यूज एक दूसरे के अपोजिट आती है इसमें व्हाइट बचा और दूसरे वाले में रेड बच रहा था तो रेड वाला आएगा ठीक है ध्यान देना ओके <laughs> okay. इसमें एबीसीडी केवल चार ऑप्शन हैं। उसमें से केवल एक ही ऑप्शन सही है वो वाला कौन सा है वो बताना है आपको चेक करो केवल एक ही ऑप्शन राइट है इसमें से हर लाइब्रेरी में किताबें हैं ऐसा स्टेटमेंट में दिया गया है तो उसके हिसाब से एक ही निष्कर्ष है जो राइट होगा कौन सा वाला है वो आपको बताना है ठीक है अच्छा दूसरी बात ये है ग्यारह बजे आपकी क्लास है फ्री वाली है ना डमी पर होगी फ्री वाली क्लास प्रैक्टिस सेशन आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक? पुस्तकें केवल पुस्तकालय में ही हैं, गलत है ये बात केवल लिखा है तो वैसे ही गलत कर दो आंखें बंद करके मैडम ने बताया था भाई ठीक है और ये भी गलत हो गया ना आप लोगों का इसमें भी केवल लिखा है पुस्तकालय में केवल पुस्तकें होती हैं पुस्तकालय में और भी चीजें होती हैं नॉवेल्स होते हैं न्यूज होते हैं जर्नल्स होते हैं और भी चीजें होती हैं जो हमारे लाइब्रेरी में हमें देखने को मिलती है वेरी गुड कुछ लाइब्रेरीज में पाठक रीडर्स नहीं है रीडर्स की तो कोई बात बोली नहीं गई है सिर्फ सी वाला सही है यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी किताबों के बिना नहीं है ये वाला बिल्कुल एग्जैक्ट वही मीनिंग दे रहा है जो आपका स्टेटमेंट में लिखा हुआ था हर लाइब्रेरी में किताबें हैं इसका मतलब यही है कोई भी लाइब्रेरी ऐसी नहीं है जिसमें किताबें ना हों चौथा वाला गलत है ठीक है क्योंकि रीडर्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया है स्टेटमेंट में ठीक है ना ओनली लिखा है तो उसको तो वैसे भी गलत कर दिया करो मैंने कई बार बताया ओनली वाले क्वेश्चन को आप गलत कर दीजिए चलिए इस वाले को होमवर्क में दे रही हूं करने के लिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा ठीक है और अभी आप लोग को अगर हमारे नेक्स्ट क्लास में जुड़ना चाह रहे हो ठीक है जो हमारी अगली क्लास है वाली उसमें जुड़ने के लिए शेयर करूंगी ठीक है आप उसमें जुड़ सकते हैं फिफ्टी परसेंट डायरेक्टली डिस्काउंट आप लोग का चल रहा है जैसे आप ऋतिका टेन कोड लगाओगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अभी थर्टी तारीख तक वैलिड है आर आई टी आई के ए वन जीरो ये वाला आप लोग कोड लगा सकते हैं और ये बैच में जुड़ने का मौका आपको मिलेगा ठीक है और नोट्स भी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो आपको अनअकेडमी से नोट्स भी मिल जाएंगे ठीक है अभी अगली क्लास में जुड़ने के लिए रितिका टेन कोड लगाइएगा एवरी वन अगली क्लास में जुड़ने के लिए आपको ये कोड लगाना है फ्री फ्री है क्लास आप आराम से जुड़ सकते हैं ठीक है अच्छा हम्म तो अभी सब लोग फटाफट फड़ से ऐड हो जाइएगा अगली क्लास में जो कि हम लोग करने जा रहे हैं अन अकेडमी पर फ्री वाले ठीक है चलो तो सभी लोग यहाँ पर ऐड हो जाओ हाँ ये वाले क्लास को हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं कल करेंगे सुबह दस बजे और रात को नौ बजे रहेगी हमारी क्लास ठीक है दूसरी बात ये है कि अभी अगली क्लास ग्यारह बजे से करने जा रहे हैं जो कि ऐप पर होगी ठीक है ऐप पर फ्री क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हो जस्ट रितिका टेन कोड लगाना है और मेरा नाम सर्च करना है उसके बाद आपको ऐप आप वाली क्लास मिल जाएगी ठीक है टेलीग्राम पे भी लिंक मिल जाएगी वहां से भी आप लोग लिंक निकाल सकते हैं है ना लिंक आपको टेलीग्राम से भी मिल जाएगा या डायरेक्टली मेरा नाम सर्च कर लो तो ऐप में क्लास मिल जाएगी ढूंढने की जरूरत नहीं है चले अवरीवन थैंक यू आज का सेशन यहाँ फिनिश कर रही हूँ अगला सेशन में हम लोग मिलेंगे यानी कि कल के सेशन में ठीक है इस वाले में और रात वाले सेशन में नौ बजे मिलेंगे तो अभी फिलहाल से इस सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा कोड आप ये लगा सकते हो सामने दिख रहा है आपको रितिका टेन कोड और अन अकेडमी के फ्री क्लासेस के लिए भी और सब्सक्रिप्शन क्लासेस के लिए भी आप ये वाला कोड लगा सकते हैं ठीक है तो देख लीजिए भाई एवरीवन इसको ओके थैंक यू एवरी सेशन को लाइक शेयर कर देना जो लोग भी देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ठीक है